हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। क्लास 11th इंग्लिश। आज अपन यहाँ पर एक नया यूनिट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है द फ्लाइंग प्लेनेट। फ्लाइंग का मतलब होता है बीमार, जब कोई बीमार, तो बीमार ग्रह के बारे में इसमें बताया हुआ है। ये बीमार ग्रह पृथ्वी है और ये पृथ्वी से रिलेटेड जो एनवायरनमेंट यानी हमारी परिस्थिति में परिवर्तन आया है उसके बारे में बताया है। ठीक, इस एलाइन ग्रह यानी हमारे पृथ्वी को विभिन्न प्रकार से प्रदूषित कर दिया गया है। हमने प्रकृति का दोहन कर लिया है। ठीक, और हमने इस यूनिट में यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है वो नानी पालकी वाला ने अपने एक आर्टिकल में लिख के जो दिया हुआ था वही इसको यहाँ पर बताया हुआ है कि हमारे ग्रह का प्राकृतिक पदार्थों का दोहन आदि हो जाने के कारण, परिस्थिति और वातावरण आदि के कारण हमारे ग्रह में बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, जैसे ऑक्सीजन की समस्या हो रही है, पेड़ कट रहे हैं आदि आदि। ठीक है, और यही चीज को इसने एक्सप्लेन किया है और इसको रोकने के लिए जो दुनिया में एक मूवमेंट चलाया जा रहा है, क्रांति चलाई जा रही है, उसको ग्रीन मूवमेंट के नाम से दिया हुआ है। दैट इज हरित क्रांति की भूमिका, और उससे वो तो बचाने के लिए यहाँ पर क्या क्या आंदोलन हो रहे हैं और कैसे कैसे हो तो बताया जा रहा है। इसको नानी पालकी वाला ने यहाँ पर अपने एक आर्टिकल में दिया था, वही इस यूनिट का बेस है। ध्यान रखिएगा, इस यूनिट में राइटर ने दो चीज़ों की इम्पोर्टेंस बताई। उसने बताया कि एक मनुष्य है जिसने कि सारी चीज़ों को क्या कर दिया है, इनका उपभोग किया है, और इनका उपभोग उसी के कारण उसने सारी दुनिया में डिसबैलेंस हुआ है, और दूसरे जानवर और प्राकृतिक चीज़ों के ऊपर यहाँ पर खतरा मंडराने लगा है। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट जाम्बिया का दिया है कि जाम्बिया में क्या किया था। जाम्बिया में एक चिड़ियाघर में एक मिरर या दर्पण लगा दिया गया था और एक पिंजरे में उसको रख दिया गया था, और बार बार ये बताने का प्रयास किया गया था इसमें कोई नहीं है, जब आप जाते हैं तो आदमी का या मनुष्य का ही अपना खुद का प्रतिबिंब दिखता है। तो उसने ये बताया कि यही सबसे खतरनाक प्राणी है, इस स्टोरी को इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दिस आर्टिकल वॉज रिटन बाय ननी पालकी वाला, ये ननी पालकी वाला ने लिखा हुआ है, और यह है न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस में 1994 24 नवंबर को पब्लिश हुआ था। तो इसके होते जो मेन मेन वर्ड है वो मेन वर्ड मैं आपको वो तो बता देता हूँ। फर्स्ट है इरेवोकेबली, अपरिवर्तनीय रूप से, यानी जिसमें कोई चेंज नहीं होता। सेकेंड वर्ड है होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब है संपूर्ण, समग्र, जैसे अर्थ इज अ होलिस्टिक, होलिस्टिक चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये होलिस्टिक यानी संपूर्ण रूप से जो चेंज हो रहा है उसी को हम होलिस्टिक बोलते हैं। फिर है इकोलॉजी। इकोलॉजी आप लोग जानते हैं, जो हमारे वातावरण से संबंधित चीज़ें हैं, पानी है, हवा है, पेड़ पौधे हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं वो परिस्थिति या इकोलॉजी सिस्टम कहलाती है। फिर है परसेप्शन, अनुभूति। हमें कुछ चीज़ों की अनुभूति या हम पिक्चर बना लेते हैं, माइंड में सेट कर लेते हैं, जो हमें अनुभूति होती है वह उसी को हम क्या बोल देते हैं, परसेप्शन बोल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेटाबॉलिक। हमारे अंदर जो सिस्टम वर्क करता है वो मेटाबॉलिक सिस्टम कहलाता है, उपापची। ठीक, एथिकल। एथिकल का मतलब होता है नैतिक रूप से, नैतिक ईमानदारी, जो आप सोचते हैं वही एथिकल वर्ड होता है। स्टेवर्ड यानी मैनेजर, जैसे बैंक वगैरह जाते हैं तो मैनेजर होते हैं, कंपनी के मैनेजर होते हैं, वही स्टेवर्ड हो गए। सस्टेनेबल, सस्टेनेबल यानी लगातार चलने वाला, इसका कभी एंड नहीं होता, समाप्त नहीं होता, उसको हम सस्टेनेबल बोल देते हैं। फिर है
लिंग्विश यानी दुर्लभ दुर्बल, ठीक, कमजोर। रोड नष्ट करना, इरोजन खत्म करना, समाप्त करना। इरोड यानी समाप्त किया जा चुका है और नष्ट किया जा सकता है। फिर हमारे पास डेप्लेट। डेप्लेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को धीरे 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 समाप्त कर देना, खत्म कर देना, अव्यय कर देना। इस वर्ड को हम क्या बोल देते हैं? डेप्लेट वर्ड यूज करते हैं। कोर्सन, कोर्सन मतलब दबाव आता है, ठीक। फेलिसिटस यानी समृद्धशाली रूप से, कोई बहुत अच्छे तरीके से समृद्धि के साथ, है ना। फेलिसिटस जब कोई धन संपदा आदि से संपूर्ण होता है, उसी को फेलिसिटस बोल देते हैं। तो मैंने आपको इसमें एक आर्टिकल के अंदर क्या है वो समझाने का प्रयास किया था कि ये हमारे मनुष्य ने जो प्रकृति को समाप्त कर दिया है, तो उसका दोहन हो रहा है। उस दोहन के कारण हमारे एनवायरनमेंट इकोलॉजी सिस्टम में परेशानी हो गई है। इसी को लेसन में ननी पालकी वाला ने लिखा हुआ है। इसको हम कैसे बनाए? तो डिफरेंट टाइप के मूवमेंट यानी क्रांतियां हुई हैं, उसमें से एक हरित क्रांति इम्पोर्टेंट है। और ननी पालकी ने ये बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य ही है जिसने सबको डिस्ट्रॉय करना शुरू किया था अपने उपभोग के लिए। और इसके एक्सपेरिमेंट को बताने के लिए जाम्बिया में एक चिड़ियाघर में एक एक्सपेरिमेंट को किया गया कि जिसमें एक केज यानी पिंजरे में खाली दर्पण रख दिया। दर्पण में बार बार मनुष्य का चित्र देख आता था, जो भी देखने जाता था। और यह बताने का प्रयास किया है कि यही खतरनाक प्राणी है जिसने सबको नष्ट किया है। और यही क्वेश्चन यहाँ पर लिखा, द नोटिस द वर्ड मोस्ट वर्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट केज इन जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई। अर्थात जो केज में या पिंजरा, केज यानी क्या जाता है? पिंजरा, ठीक, या जाता है, ठीक है। डेंजरस खतरनाक एनिमल है जिसको कि लुसाका, दिस इज द प्लेस एट जाम्बिया, वहां पर बताने का प्रयास किया गया है। इसकी सिग्निफाई यानी महत्ता बताइए, ठीक, क्लियर। तो ये क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, द नोटिस आउटसाइड अ केज ऑफ इन अ जू रीड्स, आउटसाइड यानी बाहर, केज यानी पिंजरा, जू यानी चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर के बाहर एक नोटिस लिखा हुआ था, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे खतरनाक, खतरनाक प्राणी। एंड इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल, अंदर केज के कोई भी एनिमल नहीं रखा गया था। बट अ मिरर, मिरर यानी दर्पण, आईना, वेयर वन कैन सी हिज हर फ्लैश इमेज, यानी जहां पर वो जो भी आदमी या औरत आते वो अपना प्रतिबिंब देखते थे। इट इज सार्केस्टिक वे ऑफ मेकिंग मैन रियलाइज, सार्केस्टिक यानी व्यंग्यात्मक रूप से, व्यंग्यात्मक रूप से, यह व्यंग्यात्मक रूप से बताने का प्रयास किया गया हाउ कि मनुष्य ने, हाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ सो मैनी स्पीसीज, यानी वो रिस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी, उत्तरदायी है, ठीक है, और डिस्ट्रक्शन यानी विनाश के, स्पीसीज यानी प्रजाति, विभिन्न एनिमल या जानवरों की प्रजाति के लिए वे किस प्रकार से उत्तरदायी है। विच हैज रेगुलेटेड
इन द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, उन्होंने किस प्रकार से पूरी कहना चाहिए प्राकृतिक साधनों का अपव्यय कर लिया है, अपव्ययिक और एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट ने वातावरण को समाप्त कर दिया है। ठीक, मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, मनुष्य इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड नाउ हिज ओन सर्वाइवल इज फ्रीडम, और उसका खुद का ठीक है जीवित रहना अब खतरे से खाली नहीं है। सर्वाइवल यानी जिंदा रहना, फ्रीडम यानी खतरा, तो खुद का आपका खतरा बना हुआ है। ठीक है बच्चे, इसके नोट्स वगैरह ये लिख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करा के मैं एक पोयम स्टार्ट करा रहा हूँ।